आज मैं बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन करने वाली हूँ, बिल्कुल अलग ढंग की। और रेक्टेंगल केक बनाना है, जिसके लिए मैंने स्क्वायर केक ही बेक किया है। रेड वेलवेट केक है ये, तो इसको अब शेप देंगे हम रेक्टेंगल, और इसकी डेकोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रेड वेलवेट केक है, तो इसके लिए हमें क्रीम चीज़ बनानी थी। क्रीम चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने घर में ही बनाया। तो उसके लिए क्या किया, पनीर ली है। ये पनीर भी घर का ही बना हुआ है, और इसमें थोड़ा सा पनीर लिया जितना ज़रूरत है। उसमें एक चुटकी मैंने डाल दिया नमक, और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया अच्छे से। बिल्कुल पीस लेना है बारीक। पहले हम ड्राई ही पीसेंगे, बाद में इसमें हम दूध भी ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो एक बार मैंने इसे ड्राई पीस लिया है अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालना, तो मैंने 3 चम्मच दूध डाला है इसके अंदर। बिल्कुल इसको क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका, इस वजह से दूध डालना है। अब इसको अच्छे से पीस लेना और इस तरह का बना लेना है। तो ये बिल्कुल क्रीम चीज़ की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मिला है मैंने 1 चम्मच पाउडर शुगर। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये तो रेडी हो गया। अब हम क्रीम भी व्हिप कर लेते हैं। तो मैं क्रीम 2 जगह व्हिप करूँगी। पहले 1 कप मैं अलग से व्हिप करूँगी, जिसमें कि मैं क्रीम चीज़ मिक्स करूँगी, और उसके बाद व्हिप करूँगी। ये अंदर लेयर्स में जाएगा ये वाला जो क्रीम है, और थोड़ा सा क्रीम बाद में व्हिप करूँगी, जो कि ऊपर से जिससे मुझे उसकी आइसिंग करनी है। इसको अच्छे से व्हिप करना। पहले 1 नंबर पर मैंने अच्छे से व्हिप किया इसको, जब तक ये फ्रॉदी ना हो जाए। जब ये हल्का हो जाएगा तो हम इसको स्पीड को बढ़ा देंगे, और फिर हाई स्पीड पर हम इसको व्हिप करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा ये क्रीम व्हिप हो गया है। अब हम थोड़ा सा क्रीम अलग से व्हिप करेंगे। ये 1/2 कप के करीब व्हिप कर रही हूँ मैं। अब इसको भी व्हिप करके हम रख लेंगे, और ये मेरा केक जो है रेडी है। तो अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। इसको बेक कर लिया था, ये 2 पाउंड का केक है, उसके हिसाब से मैंने 2 कप प्रीमिक्स लिया है। और इसमें आज मैंने कोई भी बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया है, ऐसे ही बेक किया है। और देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है, और कलर कितना प्यारा है। तो सबसे पहले इसको हम अपना शेप देंगे रेक्टेंगल। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करके हटा दूंगी। अब इसका भी हमें काम है, ऐसा नहीं है कि ये बर्बाद हो गया, यूज करेंगे। अब इसकी हम 3 लेयर को कट कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर रख दिया है, क्योंकि बाद में मुझे इस केक को उठाना है। तो केक की पहली लेयर रखी है, अब इसे सोक कर लेना है। सोक करने के बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। तो ये जो है क्रीम चीज़ वाली क्रीम है, तो इससे टेस्ट आएगा केक के अंदर। और क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे वाइट चॉकलेट ग्रेट किया हुआ। मैं ग्रेट किया हुआ चॉकलेट डाल रही हूँ। यहाँ पर आप गनाश भी बना के डाल सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही आज सोचा ग्रेट करके ही डाल देती हूँ। इससे भी वही टेस्ट आएगा, और या फिर वाइट चॉको चिप भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया है। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे, और इसी तरह से मैंने अपनी 3 लेयर को सेट कर लिया है। अब उसके बाद अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ये डोवेल सेट कर दूंगी, क्योंकि इसको मुझे स्टैंडिंग केक बनाना है, इसीलिए।
ताकि इसको सपोर्ट मिले और ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। चारों कोने से मैंने इसमें सपोर्ट दे दिया है। अब इसकी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। थोड़ी सी क्रीम से हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। तो पहले ऊपर डाला है, अब उसको जो है स्प्रेड करते हुए चारों तरफ फैलाना है। एक कॉर्नर में मुझे थोड़ा सा केक डाउन लग रहा था तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम रखी है। और ऐसे ही मैनेज करना होता है, कहीं पर ऊँचा नीचा हो तो क्रीम से आप मैनेज कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार स्क्रेपर से अच्छे से बराबर करके थोड़ी देर तक सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो अब ये हो गया है, इसकी क्रम कोटिंग हो गई। इसको फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे स्टैंडिंग केक बनाना है तो उसके लिए मैंने ये बोर्ड, मेरे बोर्ड को यहाँ ड्रिल किया है होल करके। उसके बाद ये जो डॉवेल आता है उसको यहाँ सेट कर दिया ताकि मेरा जो केक है थोड़ा दूर जाएगा तो वो गिरे नहीं और डैमेज नहीं हो। तो यहाँ किया है इस तरह से। अब इसको हॉट ग्लू गन से हमें अच्छे से सिक्योर कर देना है। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको ग्लू लगा के सिक्योर कर दिया था। फिर पीछे भी अच्छे से ग्लू लगाया है और थोड़ी जो डंडी निकली हुई है ना उतना तो निकालना ही पड़ता, नहीं तो फिर ये स्टैंड नहीं करता। फिर उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने एक और नीचे से बोर्ड लिया है और उसके ऊपर इसको चिपकाया है। तो पहले ऐसे रख के चिपका दिया, फिर साइड से जहाँ जहाँ गैप था गैप में ग्लू गन से मतलब ग्लू डाल करके अच्छे से चिपका दिया था, बिल्कुल वो स्टेबल हो चुका था। तो इस तरह से ये मेरा स्टैंडिंग केक का बोर्ड रेडी है। अब कुछ फॉन्डेंट वर्क है वो कर लेते हैं। तो मुझे कुछ फ्लावर बनाना है रेड और वाइट कलर का, मतलब दो फ्लावर रेड बनाना है और दो वाइट। तो पहले मैंने रेड कलर के फॉन्डेंट को रोल किया है। रोल करने के बाद इससे मैं ये वाला प्लंजर कटर से मैंने ये फ्लावर कट करके निकाल लिया। इसका तीन साइज़ आता है, तीनों साइज़ का मैंने एक एक काटा है। मतलब दो फ्लावर बनाना था मुझे ये, तो टोटल मैंने छः फ्लावर कट करके निकाला। और ये वाला जो फॉन्डेंट टूल आता है बॉल टूल, इससे मैंने इसको स्प्रेड किया, सारे लीव्स को, उसके पेटल्स को स्प्रेड किया है। किनारा जैसे फ्लावर के पेटल का पतला होता है उस तरह से पतला बनाया है और बीच का पोर्शन थोड़ा मोटा ही रहने दिया है। तो बहुत आसानी से आप इस टूल को से दबाते जाइएगा तो वो पतला हो जाता है। फिर उससे छोटा और उससे छोटा, तीन साइज का मैंने फ्लावर कट कर लिया था और तीनों को इसी तरह से मैंने तीनों की पंखड़ी को स्प्रेड करके फिर उसको ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। एक चॉकलेट वाला जो मोल्ड होता है चॉकलेट बॉल बनाने वाला, उसी में रख के। तो पहले तो मैंने बड़े वाले बॉल मोल्ड में रखा है लेकिन बाद में मैंने उसे छोटे बॉल में शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है। अब ये दूसरा फ्लावर बना रही हूँ तो ये वाइट कलर का बनाया है, तो ये भी तीनों साइज़ का मैंने कट कर लिया है। ये वाला प्लंजर कटर आप लीजिएगा तो हर एक फ्लावर का तीन साइज़ का कटर मिलता है, तो तीनों साइज़ का मैंने काट लिया है। और इसके पेटल्स को है ना मैंने दूसरा टूल लिया है उससे स्प्रेड किया है, बिल्कुल पतला पतला कर दिया है। बहुत प्यारा फ्लावर लग रहा था। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप इस तरह से पेटल्स को स्प्रेड कर रहे हैं, आपके को टूल को इस फॉन्डेंट के ऊपर चलाना है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा कुछ भी चिकनी चीज़। तो मैंने वेजिटेबल शॉर्टनिंग ले लिया था। आप थोड़ा सा घी भी ले सकते हैं लेकिन वो बहुत पतला हो जाएगा। शॉर्टनिंग जो है इतना थिक होता है कि आपको कहीं पर ऑयली भी नहीं लगेगा और बड़े अच्छे से सारी जो पंखड़ी है वो स्प्रेड हो जाएगी। तो देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, बस ऐसे ही करना है। और यकीन मानिए बहुत प्यारा फ्लावर लगेगा, भी आप देखते जाइए। तो अब इसको मैंने छोटे वाले बॉल मोल्ड में रखा, चॉकलेट बॉल के मोल्ड में।
तो बाकी सारे फ्लावर्स को भी मैंने इसी में डाल दिया क्योंकि ये वाला शेप मुझे ज़्यादा सही लग रहा था। अब फ्लावर के बीच में जो नेक्टर होता है, जो पराग होता है, वो बनाना था। तो मैंने जो क्राफ्टिंग वाला वायर आता है वो लिया है पतला वाला, उसको डबल फोल्ड किया है और ऊपर के पार्ट को ऐसे गोल कर दिया है ताकि जो हम फोंडेंट लगाएं तो वो वहाँ पर रहे। अगर नहीं फोल्ड कीजिएगा तो वो फोंडेंट जो है स्लिप करके नीचे आ जाएगा। और उस पर छोटा सा येलो फोंडेंट लेकर के थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसको फिंगर से ऐसे आप घुमाइएगा ना, तो इस तरह से बन जाएगा, रोल हो जाएगा। और बस ऐसा तीन बना लिया था मैंने और तीनों को आपस में घुमा के सेट कर दिया है, तीनों वायर को जोड़ के घुमा दिया अच्छे से, तो वो एक जगह हो गया इकट्ठा। और ऐसे ही मैंने दो बना लिया था दो फ्लावर के लिए। अब बारी आ गई है कि हमें इस केक को स्टैंड करना है। तो सबसे पहले जो ये स्टैंडिंग वाला मैंने बनाया है बोर्ड, उसमें एक मैं बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ नीचे, ताकि चुगन से जो हमने सिक्योर किया है इस स्टिक को, तो वो डायरेक्ट केक के कांटेक्ट में नहीं आए। इस वजह से मैंने ये पेपर लगा दिया है। अब इस तरह से हमें उठाना है केक को। अच्छे से सेट रहेगा केक तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो केक को अच्छी तरह से फ्रिज में जितना हो सके उतना सेट कर लीजिए, जितना टाइम आपके पास है। कम टाइम है तो अलग बात है, लेकिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका केक अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और इस तरह से दोनों डंडी को केक के सेंटर में डाल के बिल्कुल धीरे से सेट कर देना है। और अब ये केक बिल्कुल सिक्योर हो चुका है, ये बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको, इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने कॉर्नर से सिक्योर कर दिया था इसको डॉवेल से, और ये अब लंबाई से भी सिक्योर हो गया है। अब हम इसकी आइसिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले नीचे से हम इसको कवर करेंगे, जो गैप है उसको फिल कर देंगे, और चारों तरफ वैसे ही आइसिंग करनी जैसे हम सारे केक की करते हैं। पूरे में क्रीम लगाना है, बस इसका पोजीशन थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, नहीं तो कोई और कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ढंग से इसको करना है, सेम वही प्रोसेस है। तो चारों तरफ मैंने अच्छे से क्रीम लगा लिया है और बस पहले हम पैलेट नाइफ से इसको बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम स्क्रेपर से इसको अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिनिशिंग देंगे। तो पहले तो मैं क्रीम सारा बराबर मतलब मिला रही हूँ पूरे केक के ऊपर, उसके बाद हम कॉर्नर्स पे अच्छे से क्रीम लगाएंगे और जहाँ जहाँ पर लगेगा कि शेप सही नहीं है वहाँ की शेप को हम सही करेंगे। और ऐसा करने में हमें टाइम काफ़ी लगने वाला था और काफ़ी टाइम लगा भी था। अब ये करने के बाद मैंने स्क्रेपर लिया और नीचे से ऊपर बराबर कर रही हूँ ताकि एक बराबर शेप आ जाए, क्योंकि अभी इसको मुझे एक टेक्सचर भी देना है, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कॉर्नर क्लियर क्लीन हो जाए उतना ही काफ़ी है। तो देखिए करते करते मैंने इसको अच्छी लगभग अच्छी वाली फिनिशिंग दे ही दी है। अब ये लिया मैंने ये जो स्कॉच ब्राइट आता है ना, वो बिल्कुल नया है, यूज़ किया हुआ नहीं है बिल्कुल भी, ये नया निकाला है मैंने। और इससे हम इसको टेक्सचर देंगे इसके स्पंज से, अगर अलग से कोई स्पंज है आपके पास तो वो ले लीजिए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल फ्रेश और नया यही था तो मैंने इससे इसी को ले लिया। और इससे मैंने इस तरह से टैप टैप करके टेक्सचर दिया है पूरे केक को। तो देखिए कितना प्यारा जो है टेक्सचर पूरे केक पर आ गया है। तो इस तरह का कोई भी आप डिज़ाइन कीजिए तो इसमें कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई टेक्सचर दे दीजिए, उससे क्या होता है कि आपको फिनिशिंग ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत होती है, काम भी जल्दी हो जाता है और डरने की घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये अच्छा ही लगेगा। तो देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसी टाइम पे हम इस पर लस्टर डस्ट स्प्रे कर देंगे, इससे क्या होगा कि पूरे केक पर एक बहुत प्यारी सी शाइन आ जाएगी। और वाइट पर तो आप जानते हैं कि लस्टर डस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब जब हम फ्लावर लगाएंगे ना तो उस पर हमें कोई शाइन नहीं चाहिए इस तरह की, इसीलिए। और ये जो हमने केक रखा था बजा करके, वो अब यूज़ करने का टाइम आया है तो मैंने इसको ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब इसे हम पीस करके वेलवेट तैयार कर लेंगे, इसके बगैर हमारा रेड वेलवेट केक अधूरा सा लगेगा। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ करेंगे, वो बाद में देखते हैं। अब हम पहले फ्लावर को असेंबल करेंगे। तो ये फ्लावर मैंने सबसे बड़ा वाला जो रेड फ्लावर है वो लिया, इसके बीच में फोंडेंट ग्लू लगाया है, फिर इससे जो छोटा साइज है वो रखा है। थोड़ा सा हम इसको फिंगर से दबाते जाएंगे तो कि अच्छे से स्टिक हो जाए, उसके बाद हम उससे छोटा रखेंगे। ये ऐसा फ्लावर बनाना है तो आप थोड़ा पहले बना के इसको पंखे के नीचे रखिएगा ना, तो ये
थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो अपने शेप में रहेगा। अब जो ये मैंने बनाया था बीच में जो नेक्टर, वो ऊपर की तरफ से हम नीचे डालेंगे इसके अंदर सेंटर में, बीचों बीच से डालेंगे और देखिएगा इसके लगते ही इसका इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मैंने फोंडेंट्स बनाया, लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर अभी बहुत तरह का आता है ना, उसी तरह का लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। अब एक फोंडेंट का टुकड़ा लेके मैंने नीचे सेट कर दिया है ताकि ये एक भी पंखड़ी जो है स्लिप करके नीचे नहीं आए, उसको सपोर्ट मिल जाए नीचे से, तो वो सपोर्ट देने के लिए सेट किया है और थोड़ा सा फूल उठा हुआ दिखेगा इसलिए, क्योंकि इसमें मैंने लीफ नहीं लगाया है, दूसरे वाले में लीफ लगाऊंगी तो वो वैसे ही उठा हुआ दिखेगा। तो ये एक फ्लावर रेडी हो गया है। अब ये वाइट वाले फ्लावर को भी इसी तरह सेट करना है, जो सबसे बड़ा वाला फ्लावर वो उठाना है, उसके बीच में ग्लू लगाना है या पानी लगाना, जिससे जो भी आपके पास है, अगर ग्लू नहीं तो पानी लगा लीजिए, उससे भी अच्छे से चिपक जाएगा। और उससे उसके ऊपर उससे छोटा पार्ट रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और उसके बाद उससे छोटा पार्ट रखेंगे। तो बहुत खूबसूरत फ्लावर बना था, हालांकि मैंने पहली बार बनाया था लेकिन बहुत अच्छा बन गया था फर्स्ट टाइम में ही। अब इसमें मैंने टूथपिक लगाया है यहाँ पे, और मैंने दो लीफ भी बनाया था, दो नहीं कई लीफ बनाया था, तो वो यहाँ पर चिपकाना है, तो यहाँ पर भी दोनों साइड में मैंने ग्लू लगा दिया है और इस तरह से एक लीफ को उठाना है और यहाँ पर चिपका देना है। तो देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर हमारा रेडी हुआ है। अब सेंटर में हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और जो गोल्डन वाला बीड्स आता है ना वो लगा देंगे, तो ये डिफरेंट तरह का हो जाएगा। तो दोनों ही फ्लावर मेरा बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसी तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया है। इसकी पंखुड़ी को देखिए आप, जो स्प्रेड करने के बाद बिल्कुल रियल लग रहा है ना। तो मैंने कहीं पर देखा था, किसी रील में देखा था इस तरह का फ्लावर बनाना, तो लगा मुझे लगा कि मैं भी ट्राई करती हूँ बनाने के लिए। तो जैसे ही ऐसा कोई केक का ऑर्डर आता है जिसमें कि डेकोरेशन मेरे ऊपर डिपेंड करती है, तो फिर मैं वो जो मेरे दिमाग में होता है उसको मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके भी साइड में देखिए मैंने ग्लू लगाया है और यहाँ पर भी मैं लीफ लगाऊंगी। और सेंटर में इसके भी मैं गोल्डन बीड डालने वाली हूँ। तो देखिए नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है ना ये फ्लावर मेरा। तो ये भी रेडी हो गया है। अब इसको हम केक पर लगाने वाले हैं, मतलब अब असेंबल सारी चीज़ को असेंबल करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले मैंने ये वाइट वाला फ्लावर लगाया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर रेड वाला लगाया, दोनों ही फ्लावर अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और फिर यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई, मतलब पहले ही मुझे इसके पेटल्स को थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट देना था, तो दे देना चाहिए था। केक पर रखने के बाद मुझे याद आया कि थोड़ा सा इसको हल्का सा बिल्कुल गोल्डन इफेक्ट देना है, तो बस ब्रश की हेल्प से मैंने वो भी कर दिया और वैसे ही नीचे भी लगाया। थोड़ी देर के लिए मेरा कैमरा बंद हो गया जो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो नीचे भी सेम तरीके से ही मैंने फ्लावर सेट किया जैसे ऊपर किया वैसे ही, और कुछ गोल्डन फ्लेक लगा दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी डेकोरेशन थी मेरी ये वाली, आप लोगों को कैसी लगी है वो तो आप लोग बता दीजिएगा, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगाया था मैंने, मतलब छोटा छोटा फ्लावर जैसे जिप्सी फ्लावर और एक दो लीफ, ज़्यादा नहीं लगाया था, बस एक दो ही लगाया था। और फिर दो तीन गोल्डन बॉल ऊपर भी, दो चार नीचे साइड में भी कर दिया था, लगा दिया था। बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत ये इस तरह का स्टैंडिंग केक मैंने पहली बार बनाया था और इस तरह का बोर्ड पहली बार बनाया था,
और सब चीज़ मेरा बहुत अच्छे से बना था। अब ये जो वेलवेटी टच देना है केक को, वो मैं डाल रही कर रही हूँ। ऊपर से मैंने हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है और फिर ये बॉर्डर में मैंने इसको लगा दिया है, तो ये और ज़्यादा इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। केक को एक बेस मिल गया था, हाईलाइट होना शुरू हो गया था, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा था। और जिनके लिए ये केक बन रहा था उनको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका फेवरेट है, तो उनकी बेटी ने कहा था कि आप पूरा कंप्लीट रेड केक बनाइए, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि पहले भी एक बार मैंने रेड कलर बना के दिया है, तो बनवाने को तो बनवा लेते हैं लोग, उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि मुँह में कलर लग रहा था, स्टेन छोड़ रहा था, तो अब मैं मना कर देती हूँ कि रेड नहीं बनाऊँगी। उसके बाद मैंने ये वाली डिज़ाइन बनाई जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, पसंद भी आई, और एक हैप्पी बर्थडे मॉम का टॉपर लगा दिया, मेरे केक का कंप्लीट लुक हो गया। तो देखिए मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, और देखिए कितनी प्यारी है ना, ये एक बच्ची ने बनवाया है अपनी मम्मी के लिए, मम्मी का बर्थडे है उसके। तो ये वाली डेकोरेशन कैसी लगी आप तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, फैमिली में, और भी जितने लोग को आप जानते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी डेकोरेशन के साथ। तब तक अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।